नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रिब्यून हिंदी डॉट कॉम। मैं हूँ एकता पंछी आपके साथ। आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी 25 फरवरी को रिलीज हो रही है। इससे पहले मेकर्स ने फिल्म का एक नया प्रोमो रिलीज किया है। इसमें अजय देवगन रहीम लाला के किरदार में नजर आ रहे हैं। प्रोमो में अजय देवगन का लुक बेहद दिलचस्प दिखाई दे रहा है। प्रोमो में दिखाया गया है कि रहीम लाला ने ही गंगूबाई को माफिया क्वीन का टाइटल दिया था। इस वीडियो को आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कहा कि रहीम लाला बम्बई का राजा आ रहा है 6 दिनों में। गंगूबाई काठियावाड़ी 25 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी। रहीम लाला के लुक में अजय देवगन पठानी सूट, हल्की दाढ़ी, टोपी में गजब लग रहे हैं। अजय देवगन एक डायलॉग बोलते हैं जिसमें वो कहते हैं कि लाला को घर बसते हुए देखना पसंद है, उजड़ते हुए नहीं। 4000 औरतों की जिंदगी का सवाल है गंगू, ये लड़ाई तुझे खुद जीतनी है। आपको बता दें कि आलिया भट्ट और अजय देवगन इस फिल्म के अलावा SS राजामौली की मूवी RRR में एक साथ नजर आने वाले हैं। रिलीज से पहले विवादों में आई गंगूबाई काठियावाड़ी संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी फिल्म को लेकर गंगूबाई के परिवार ने आरोप लगाया है कि इस फिल्म में हमारी मां को सोशल वर्कर से प्रोस्टिट्यूट बना दिया है। मीडिया से बातचीत में गंगूबाई के बेटे बाबूराव जी शाह ने कहा कि फिल्म में मेरी मां को प्रोस्टिट्यूट बना दिया है। अब लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। यह बात हमारी फैमिली को बहुत तकलीफ पहुंचा रही है। वहीं गंगूबाई की नातिन भारती ने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि पैसों के लालच में मेकर्स ने मेरे परिवार को बदनाम कर दिया है। उनकी माने तो फिल्म बनाने से पहले परिवार की सहमति नहीं ली गई थी। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए ट्रिब्यून हिंदी डॉट कॉम। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHIND.com और फिर ट्रिब्यून हिंदी डॉट कॉम चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।